तो ये है मेजेस्टिक केवलव का नॉर्थ फेस का व्यू, और इतना अच्छा वो माउंटेन लग रहा है, उतना ही सुंदर ये बैकड्रॉप भी लग रहा है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो सिर्फ सामने मत देखना, पीछे भी देखना, पीछे भी काफ़ी सुंदर व्यू है। हम लोग वराटा वैली से निकल गए हैं और आप जा रहे हैं पिकनिक वाटरफॉल। बस ऑलरेडी खड़ी हुई थी जो कि निकलेगी अभी 15-20 मिनट में, तो फिर भी हमने डिसाइड किया है कि हम वॉक करके जाएंगे। तो एक पाथ है, बस ये है कि इसी रास्ते पर गाड़ियाँ भी चलती हैं और इसी पे आपको वॉक करना था, थोड़ा केयरफुली वॉक करना होगा। बाकी जाने के लिए तो स्टीप भी नहीं होगा, अपवर्ड स्टीप था जितना हमें आते समय समझ में आया, तो अभी सिर्फ डाउनवर्ड स्टीप होगा, तो उतना टफ नहीं होना चाहिए। अराउंड 6 किलोमीटर का ये वॉक होगा। चल का वाटरफॉल देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था, नेवर फॉरगेट टू टर्न बैक। ये है हमारे ऑन द वे के व्यूज बैक साइड में, और सामने के हैं कुछ इस तरह। एकदम ग्रीनरी वाला एरिया है, प्रॉपर रोड बनी हुई है। बस थोड़ा गाड़ियों की आवाज़ सुन के ध्यान रखो चलने का, बाकी सब बढ़िया है। नीचे जाना इजी लग रहा है अभी तक, ऊपर आने के लिए ज़रूर स्टीप है। वॉक करके आने का फ़ायदा ये है कि इस तरीके के बीच बीच में आपको पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ से भी कुछ ट्रेल गई है, पार्किंग और कैंपिंग अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे फाइनली हमें थोड़ा सा रिवर का पानी मिला है। थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी स्नो मेल्ट होगी तब बढ़ेगा। यहाँ से पानी जा रहा है, सामने उधर ट्रेल गई हुई है, आगे कुछ गाड़ियाँ भी पार्क है, तो आई थिंक वो लोग यही हाइकिंग के लिए गए होंगे। वॉक एक्चुअली काफ़ी अच्छी निकल रही है, अच्छा हमने बस नहीं ली, क्योंकि पार्क बहुत सुंदर है, पूरा ऐसे ग्रीनरी है, साइड में नदी की आवाज़ आ रही है, रोड प्रॉपर बनी हुई है, कवर्ड है, धूप भी नहीं लग रही है, मौसम भी मस्त है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मस्त ट्रेन है, ट्रेन नहीं है बट पार्क है। बस ऐसे जब गाड़ी की आवाज़ है तो रोड के साइड में हो जाओ, वरना आराम से चलते हो, कार वाले और साइकिल वाले ये दोनों चलते हैं। वॉटरफॉल के रास्ते में ऑलमोस्ट पहुंचने वाले वॉटरफॉल, और यहाँ से रिवर का क्लियर व्यू आने लगा है। जोर के पानी की आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ ना आ रही हो, बट बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है, एकदम लाइट ब्लू कलर का, वाइटिश का पानी है, पूरा सावा रिवर ये भी जा रही है। नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर वॉटरफॉल। बहुत ही मस्त भी आ रहा है रिवर का, ऐसा लग रहा है यहीं उतर के बैठ जाओ साइड में और चिल करो। फाइनली वाटरफॉल पहुंच गए हैं, और इसी के पास आगे आता है नदी का सही व्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है वाटरफॉल का नाम, और यहाँ से आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा सा ही ट्रैक होना चाहिए लोअर पार्ट के लिए। तो आगे जाके मे भी पानी के कारण मेरी आवाज़ ना आए, तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहीं दे दे रही हूँ, बट ये है वाटरफॉल का व्यू, वो है मेन वाटरफॉल, वही पानी बह के इधर आ रहा है। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन में लिखा है जो लोअर वाटरफॉल है वो 52 मीटर है, और उसके ऊपर 16 मीटर का और वाटरफॉल है, और जो 52 मीटर वाला फॉल है जो मुझे यहाँ से दिख रहा है उसका हाइट है यहाँ से अराउंड 30 मिनट्स का, और बाद वाले का भी फिर 30 मिनट्स और होगा उसके ऊपर। तो चलकर हाइक करते हैं और तो थोड़ा सा उसको पास से देखते हैं, यहाँ से देख कर तो बहुत सही लग रहा है। और यहाँ से ये वाला नीचे का फॉल का व्यू, इवन तो ये फॉल नहीं है, वही पानी बह के आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है पत्थरों में से बहता हुआ पानी। प्लस ये है वाटरफॉल के जस्ट अपोजिट ही है ये रिवर, सब ये है सावा रिवर। वैसे तो यहाँ बोर्ड लगा है, अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकते, लोग गए हुए हैं।
इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप ड्राइव करके आ रहे हो सेल्फ ड्राइव करके या फिर इस पाथ पे वॉक कर रहे हो, तो वेदर का ध्यान रखना और केयरफुली वॉक और ड्राइव करना, दो रीज़नों के कारण। एक, हमने रास्ते में देखा था कि काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह हुई है जिसके कारण पेड़, बड़े बड़े पेड़ रूट साइड बाहर आ गए थे, तो वो चीज़ों को अवॉइड करना, उनका ध्यान रखना ड्राइव करते हुए। दूसरा कि हमने यहाँ पे अभी एक एक्सीडेंट भी देखा, हालांकि छोटा सा ही था, दो गाड़ियाँ आपस में टूट गई, बट ये चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी, तो भी रास्ता है, स्टीप भी है, तो थोड़ा आराम से भी ड्राइव करना या वॉक करते टाइम भी गाड़ियों का ध्यान रखना। चलकर हाइक करते हैं। कुछ इस तरीके का ट्रेल है, वहाँ पे लिखा हुआ है बारिश में अवॉइड करो, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है, और नॉन बारिश के सीज़न में भी नॉन स्लिपरी वाले फुटवेयर पहनो, काफ़ी ज़्यादा अनइवन टेरेन है प्लस स्लिपरी रास्ता है। मेरे और आप वाटरफॉल के बैक साइड पे भी जा सकते हो, पाथ बना हुआ है वहाँ, कुछ लोग भी दिखते होंगे, तो इसी हम जाएंगे। अरे बहुत सुंदर है, बहुत मस्त लग रहा है। ये वाटरफॉल लोअर पार्ट है वाटरफॉल का, आप अपर पे भी जा सकते हो, बट जैसे यहाँ लिखा है वेरी डिफिकल्ट अनसिक्योर ट्रेल, तो हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, और यहीं से इस व्यू को एंजॉय करके वापस जा रहे हैं। पहले देखा था वो राउंड ट्रेल था, अपर वाटरफॉल का ट्रेल यहाँ से है, ये भी बहुत डिफिकल्ट है लेकिन सिक्योर ट्रेल है, और हट का रास्ता नीचे, तो हम लोग जा रहे हैं हट पे, क्योंकि पता चलेगा पहुंचने के बाद। हम लोग वापस नीचे आ गए, ये एक हट है जो रेस्टोरेंट भी है, और बहुत अच्छा सेटअप भी है खाने पीने का। हमारे होस्ट ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे एप्पल स्ट्रूडल बहुत टेस्टी मिलता है, तो वो जरूर ट्राई करना। हम लोग आए वो ट्राई कर रहे, बट अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो चुका है, तो हमने सिर्फ थोड़ी सी ड्रिंक्स ले लिए हैं और थोड़ा रेस्ट करने का सोच रहे हैं इससे पहले कि हम अपना आगे का कंटिन्यू करें वॉक टाउन तक का। तो वराटा से टाउन तक का टोटल वॉक है 10 से 11 किलोमीटर का, तो हम 6 कर चुके हैं, अभी 4 किलोमीटर और बचा है। वाटरफॉल जो पीछे से रास्ता गया था वो एक शायद लूप ट्रेल है, जो हमने एक बोर्ड भी देखा था, ये अनसिक्योर्ड और डिफिकल्ट ट्रेल है, वो लूप ट्रेल शायद यहाँ पर निकलेगी हट के जस्ट सामने, यहाँ पे ये बोर्ड भी लगे हुए हैं और एक ट्रेल भी है, शायद आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई एम गेसिंग कि बेस्ड ऑन कि यहाँ से लोग जा रहे हैं ऊपर, तो ये ट्रेल भी वाटरफॉल जाता होगा। वाटरफॉल बहुत अच्छा है, लोअर वाटरफॉल ही अगर आप जा रहे हो तो वो भी मोर देन इनफ है, वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ तक का रास्ता भी 250 मीटर का ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप है और अनइवन है, रॉकी है, रूट्स निकले हुए हैं, तो बहुत संभल के जाना, स्टीप है तो स्टेप्स भी कई जगह पर तो बहुत ऊँचे ऊँचे हैं, और अच्छे शूज़ पहन के करना क्योंकि कुछ जगहों पे गीला भी है। जैसे हम लोग पीछे भी जा रहे थे वाटरफॉल के, लेकिन वो जगह बहुत गीली थी और हमने इतने अच्छे शूज़ नहीं पहने कि हम अपना ग्रिप बना सके, तो अच्छे शूज़ पहन के आना। ऊपर जा रहे हो अपर वाटरफॉल पे तो डेफिनेटली अच्छे शूज़ पहन के आना, वरना करना बहुत रिस्की होगा, बहुत डिफिकल्ट है वो, बट हाँ बहुत अच्छा वाटरफॉल है तो करना ज़रूर, यहाँ आना ज़रूर। तो आप ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं और फिर वापस चलते हैं टाउन और जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। वाटरफॉल से थोड़ा आ गया है और एक ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, यहाँ पे ये वुडन ब्रिज बना है, हमने ये रास्ता ले लिया है क्योंकि किसी ने हमें सजेस्ट किया कि टाउन जाता है, बट ज़्यादा सुंदर है क्योंकि ये नदी किनारे से जाता है। हाँ यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, मजिस्ट्राना रूट नंबर 16। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेल बना रहे हैं रिवर साइड से, जैसे कि पहले भी बताया था कि रोड से ही आपको जाना पड़ता है, कोई प्रॉपर ट्रेल नहीं है,
बट लुक्स लाइक ये वो लोग बना रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जिन्होंने हमें ये रास्ता सजेस्ट किया, वरना हम लोग मेन रोड से ही चले जाते। स्टार्टिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये पूरा नदी किनारे चल रहा है रास्ता। नीचे पे एक स्पॉट भी आया जहाँ आप बैठ के थोड़ी देर आराम कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। और आगे अभी ये जंगल वाला रास्ता जो सुंदर लग रहा है, ग्रीनरी और साइड में रिवर बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर ये फॉल में भी बहुत सुंदर लगता होगा जब इस पेड़ों का सारा कलर चेंज हो जाएगा। इतने ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पेड़ हैं, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, फॉल में पूरा कलर चेंज हो जाता होगा और ज़्यादा सुंदर लगता होगा। रिवर में भी काफ़ी अच्छा फ्लो है, अच्छा लग रही है। नदी किनारे वॉक करते करते आ गए हैं हम वापस से मेन रोड पर। मेन रोड से अगर आप वॉक करके पिकनिक वाटरफॉल जा रहे हो तो यहाँ पे लगा हुआ है पिकनिक का, और वराटा तक जाओगे तो 2 घंटा लगेगा। ये वॉकिंग ट्रेल है, बाकी इस साइड लगा हुआ है साइकिलिंग ट्रेल के लिए और गाड़ियों के लिए वो रास्ता गया। ऑलमोस्ट घर पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट भी थोड़ा सा बचा हुआ है आगे जाना, बट यहीं पे आज का दिन ख़त्म होता है। हम लोगों ने अराउंड 16 से 17 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ही वॉक कर लिया है। अब जाके आराम करेंगे और कल के लिए रेडी होंगे। कल हम ट्रांसकागोरा और उसके आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सी यू इन नेक्स्ट वन, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे स्टे के सामने ही, जस्ट सामने ही ये रिवर फ्लो हो रही है और माउंटेन बैकड्रॉप है, वो हमारा स्टे है। और इधर ये जो वुडन वाला है, ये एक हॉस्टल है, लुकना हॉस्टल। इनकेस आपको हॉस्टल में रुकना हो तो मजिस्ट्रा टाउन में एक हॉस्टल भी है। अब इसके इस साइड से भी व्यू देखते हैं।